देवा थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का किया गया खुलासा। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी की हुई 5 स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल और 3 चाकू बरामद किए हैं। सीओ फास्ट राजकुमार मिश्रा ने बताया कि चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगे थे। पुलिस ने पीछा कर दोनों अभियुक्तों को पकड़ा, जिसमें पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि दोनों अभियुक्त वाहन चोर हैं, जिसके बाद इनके गैंग के 4 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कब्जे से 5 स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल और अवैध चाकू बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम प्रवीण, अंकित, विपिन, पंकज, अमन और शिवम हैं। पुलिस का कहना है कि पूर्व में भी यह लोग वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। गाजियाबाद से बीनू मेहरोलिया की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने आज एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा है, जिसमें गैंग का सरगना शिवम सहित कुल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं और उनके कब्जे से कुल 7 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं और 3 लोगों के कब्जे से चाकू वगैरह भी बरामद हुए हैं। इनमें जो इनका सरगना था उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और जो गाड़ियां मिली हैं उनमें से 3 गाड़ियां अब तक ट्रेस की जा चुकी हैं, जिनका यहां स्थानीय थाना साहिब सियानी गेट में मुकदमे दर्ज हैं और थाना इंदिरापुरम में मुकदमे दर्ज हैं और जो गाड़ियाँ बची हैं उनके विषय में ट्रेस करवाया जा रहा है। ये आमतौर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और जहाँ गाड़ियों का कंसंट्रेशन अधिक होता है वहाँ पे वाहन चोरी कर लिया करते थे और बहुत ही कम दामों पे अपने परिचितों को या ऐसे ग्राहक तलाश कर उनको बेच दिया करते थे।